Hi students, welcome to SCMPE, super quick revision that you all are doing. 10 lectures you all have watched. I think it was helpful for you all. So you all have revised everything till transfer pricing, internal pricing. Let's try to do external pricing. Internal pricing bhi maine ek complete video lecture ke na khatam kar diya tha. So now we have to be doing external pricing. External pricing matlab, what should be the selling price of your product? इसके ऊपर डिबेट्स कैन कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी. ऑनेस्टली राइट प्राइस करके कुछ नहीं होता. वी ट्राई टू से वो राइट प्राइस है माइट बी जहाँ पे कस्टमर विल बी टेम्पटेड टू बाय योर प्रोडक्ट. अगर कुछ भी ऐसा प्राइस बना सकते हो ताकि द कस्टमर इज फोर्स टू बाय योर प्रोडक्ट और इज टेम्पटेड टू बाय योर प्रोडक्ट और इज एक्साइटेड टू बाय योर प्रोडक्ट, ओके, वी से दैट इज द राइट प्राइस. ओके, आप लोग कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, प्राइसिंग फॉल्टी होएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. वी ऑल नो दैट, राइट? ओके, सो वो प्राइस अच्छा विच इज वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर. ओके, लेकिन वैल्यू का मतलब किसको थोड़ी मालूम है. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वैल्यूज अटैच टू द सेम थिंग. ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे समबडी सीज अ पेंटिंग एंड ही सेज ये पेंटिंग 4 करोड़ की है, जिसको उसके ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो 4 रुपए की भी नहीं है. ओके, सो ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल अटैच द वैल्यूज इन अ डिफरेंट वे. So this chapter we are only trying to learn what should be the right price for your product. Okay, first, should you follow total cost plus pricing? Total cost matlab, obviously tumko samajh mein aayega, cost is one of the basis that you want taki you can fix up your price. Theek hai, to cost ke andar ek variable cost dalo, fixed cost dalo, to total cost mil jayega. टोटल कॉस्ट के अंदर आप लोग अपना प्रॉफिट ऐड कर लो तो तुम लोग को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. ओके, तो आपका सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. दिस थिंग इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल प्राइसिंग. ओके, यूजुअली इन अ नॉर्मल मार्केट वी ट्राई टू रिकवर ऑल आर कॉस्ट इफ वी आर इन अ पोजिशन टू बी डूइंग दैट. If you are in a very competitive market or you are new, you might try to go for marginal cost plus. Marginal cost plus matlab, sirf hum log variable cost ke bare mein baat karenge, usi ke upar we will add something to arrive at the selling price. Okay, so therefore that is marginal cost plus. Then what is predatory pricing? This is killing pricing. Killing pricing matlab, example, jab Jio India ke andar aaya, jab India ke andar un logon ne apna services launch kiya, un logon ne 2 saal tak shayad प्राइसेस जो थे कॉस्ट के भी बहुत नीचे रखे. प्री डेटरी किल एवरीबडी. सो ऐसा अगर वो करेंगे तो डू रिमेंबर वन डिसएडवांटेज, देयर विल बी ह्यूज लॉसेस. ओके, बट वन थिंग, इफ यू कैन सस्टेन इट यू विल वाइप ऑफ द कंपटीशन एंड देन यू कैन इंक्रीज द प्राइसेस, जो शायद 2-3 साल के अंदर जियो करने पर भी आ जाएगा. दैट इज नथिंग बट प्री डेटरी प्राइसिंग. ओके, प्री डेटरी प्राइसिंग के लिए याद रखना आपको मनी पावर बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि टू इरेज ऑफ एंटायर कॉम्पिटिशन आपको अपने प्राइसेस कम करने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ प्राइसेस तुम्हारे प्रोडक्ट के क्या होंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका प्रोडक्ट कैसी मार्केट के अंदर है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं. सो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यू ऑल नो द मीनिंग, बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स. ऐसे केसेस के अंदर सेलर्स, सारे सेलर्स ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही बनाते हैं. तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ खास नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है. ऐसे केसेस के अंदर यू कैन नॉट सेट अ प्राइस विच इज़ हाई. ऐसे केसेस के अंदर एवरीबडी सेट्स अ प्राइस ताकि प्रॉफिट इज हाइएस्ट. तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाएगा तो भी अच्छा है, उसके ऊपर यू ट्राई टू चार्ज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन. ओके, दैट इज द प्राइसिंग इन योर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. याद रखना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सेलर्स बहुत ज़्यादा, बायर्स बहुत ज़्यादा, तो कोई भी सेलर अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ा दिया बायर्स विल स्टार्ट टू प्रेफर अदर पीपल. ओके, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इन दिस केस मीन्स वॉट? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मीन्स दैट इट इज स्लाइटली लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेकिन जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर मिलते हैं दोज आर नॉट एग्जैक्टली सेम, थोड़ा बहुत तो फर्क है. दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मतलब, एग्जाम्पल सपोज, आजकल फोन्स हैं. ओके, सब कंपनीज के फोन्स यू कैन बी सेइंग ऑलमोस्ट सेम है, बट यू कैन बी सेइंग नहीं सर इसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है. सो प्रोडक्ट्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ऐसे केसेस के अंदर याद रखना, ओकेजनली कोई एक सेलर होगा जो एक नया प्रोडक्ट लेकर आएगा,
जैसे ही वो नया प्रोडक्ट लाएगा विद सम न्यू फीचर जो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, फॉर टेम्पररी पीरियड ही विल गेट वेरी हाई प्रॉफिट्स. ओके, धीरे धीरे अदर पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट टू मेक द सेम प्रोडक्ट. ओके, दैट टाइम अगेन योर डिमांड विल गो डाउन. तो यहाँ पर बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है. ओकेजनली सम सेलर्स इफ दे कम आउट विद अ न्यू प्रोडक्ट दे कैन स्टार्ट टू कमांड वेरी हाई प्राइसेस. ओके, देयर इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. एग्जाम्पल, जब ही सपोज लाइक यू नो से एप्पल जब भी नॉच वाला फोन्स वो लाया था, वो लोग ने स्टार्ट किया था तो उनको शुरू में बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन धीरे धीरे एवरी कंपनी स्टार्टेड टू मेक, तो नाउ इट हैज बिकम लाइक नॉर्मल प्रोडक्ट ओनली. ओलिगोपॉली मतलब नंबर ऑफ सेलर्स आर वेरी लेस. एग्जाम्पल से इन इंडिया इफ आई से मोबाइल मार्केट तो रहने दो, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सपोज जो नेटवर्किंग जो कंपनीज हैं, ओके, जो लोग मोबाइल नेटवर्क्स वो देते हैं, से एयरटेल है, वोडाफोन है, फिर उसके बाद वो जियो है, सो दे आर वेरी फ्यू सेलर्स. अभी वेरी फ्यू सेलर्स अगर ये तीनों कभी टीम अप हो जाते हैं ना, देन दे कैन इंक्रीज द प्राइसेज अलॉट. अगर आदित्य अगर कुमार मंगलम बिरला, फिर उसके बाद मित्तल एंड मुकेश अंबानी, इफ दे एवर ट्राई टू फॉर्म अ कार्टल, नो, इफ दे एवर ट्राई टू फॉर्म अ टीम, देन दे कैन लूटोफाई द कस्टमर्स लाइक एनीथिंग. ओके, सो वो एक चीज है. तो दे आर वेरी फ्यू सेलर्स. इफ दे वॉन्ट टुगेदर दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट. मोनोपोली का मतलब यू ऑल नो सिर्फ एक ही सेलर है, सो एवरी बायर हैज टू अधियर टू हिम ओनली. उसके बाद मोनोपोली इज उल्टा ऑफ मोनोपोली, कि सेलर बहुत ज्यादा है, बायर एक है. अगर ऐसा होगा, बायर कैन डिक्टेट हिज टर्म्स, नो. ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर सेलर्स विल हैव टू सेल एट अ वेरी लो रेट, क्योंकि बायर एक ही है, तो बायर जो है बहुत पावरफुल है. सी इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू बी एज पावरफुल एज पॉसिबल. इफ यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स, ओके, यू कैन ऑलवेज हैव अ कमांड. इफ यू आर अ सेलर, यू कैन कमांड वेरी हाई प्राइस. इफ यू आर अ बायर, यू कैन कमांड वेरी लो प्राइस बिकॉज यू आर पावरफुल. ओके, फिर कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग. कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग मतलब अगर सपोज बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, फिर जो भी कॉम्पिटिटर्स प्राइस मार्केट के ना ऑफर कर रहे हैं, मैं भी सेम रेट ही कोट कर दूंगा. सो देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज गोइंग रेट प्राइसिंग. सील्ड बिड प्राइसिंग के अंदर बेसिकली टेंडर्स वाला चीज होता है. जब भी कोई गवर्नमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो खुलता है, तभी दे इनवाइट टेंडर्स. जो पर्सन सबसे कम का टेंडर वो भरता है, उसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. तो सील्ड बिड प्राइसिंग के अंदर हर बंदा क्या सोचता है, यार मैं वही वाला कॉस्ट लिखता हूँ विच आई एम इनकरिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग का फंडा. सो दैट टाइम यहाँ पे प्राइसेस यूजुअली कम हो जाते हैं सील्ड बिड प्राइसिंग के अंदर, क्योंकि यू वॉन्ट टू बैक द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट आपको तभी मिलेगा जब आपके प्राइसेस कम होंगे. ठीक है, दैट इज. फिर उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, लेकिन आई डू दैट पर्टिकुलर थिंग विद दिस ओनली. यू हैव योर इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मच्योरिटी स्टेज एंड फाइनली डिक्लाइनिंग स्टेज. ग्रोथ स्टेज के ना प्राइसेस शायद थोड़े से कम हो, फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी स्टेज के ना तुम्हारे प्राइसेस थोड़े से शायद कम हो. अगर कोई टेक्नो प्रोडक्ट है, इनोवेशन है, तो शायद इंट्रोडक्टरी स्टेज के अंदर ही आपके प्राइसेस सबसे ज़्यादा हो. फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेज आएगा. इन ग्रोथ स्टेज योर पावर विल बी स्टिल मोर, यू माइट इंक्रीज द प्राइसेस. मच्योरिटी इज योर टॉप नोट स्टेज एंड फाइनली डिक्लाइनिंग इज योर लास्ट स्टेज. डिक्लाइनिंग स्टेज के लिए तो हमेशा प्राइसेस सबसे कम ही होते हैं. ओके, तो ईच स्टेज के अंदर तुम्हारे प्राइसेस, तुम्हारा जो प्राइसिंग का फंडा है वो अलग अलग जाता रहेगा. ठीक है, आगे टाइप ऑफ प्रोडक्ट. अगर मास प्रोडक्ट है या नेसेसिटी है, यूजुअली कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, प्राइसेस कम होंगे. क्लास प्रोडक्ट होगा तो प्राइसेस भी ज़्यादा होंगे. टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, स्कीमिंग, यू लॉन्च द प्रोडक्ट एट द हाईएस्ट प्राइस. पेनिट्रेशन, यू लॉन्च द प्रोडक्ट एट अ लोएस्ट प्राइस, ट्राई टू कैप्चर द मार्केट. वंस यू कैप्चर द मार्केट आफ्टर 1 or 2 years यू स्टार्ट टू शूट अप द प्राइसेस. स्कीमिंग को बहुत बार प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है. एग्जाम्पल, एप्पल हमेशा से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का स्ट्रैटेजी ही फॉलो करता है. दे ट्राई टू से बाकी सारे जो भी ये फ़ोन कंपनीज हैं वो चिंदी कंपनीज हैं, वी आर एप्पल, हम लोग बहुत महान हैं. ओके, हमारा प्रोडक्ट, डोंट कंपेयर इट विद सैमसंग, डोंट कंपेयर इट विद ओप्पो, डोंट कंपेयर इट विद वीवो, आर प्रोडक्ट्स आर वेरी डिफरेंट. सो देयरफॉर दे ट्राई टू हैव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का स्ट्रैटेजी. इफ सपोज यू आर गोइंग टू बाय एप्पल और यू आर गोइंग टू बाय से वीवो, यू विल नॉट कंपेयर दोज टू फोन्स ऑल्सो बिकॉज there is product differentiation. Okay, so although aajkal people have started
to might be even criticize Apple for this. Okay, they try to say, अभी तुम्हारे products differentiate नहीं हैं, जो तुम्हारे phones के अंदर है, सभी phones के अंदर है. तो याद रखना, product differentiation वाला जो strategy है, will help you to command very high prices. But provided your product is truly different. If it is truly different, then you will be able to command very high prices. कई लोग low cost advantage model भी follow करते हैं. Low cost advantage model मतलब, suppose MI के phones, they try to play only in volumes. वो लोग क्या करेंगे? They try to keep all fancy stuff as less as possible. भाई cost कम रखेंगे, price कम रखेंगे, mass market को बेचेंगे. And that has been driving success for them also. Type of economy. Obviously, अगर कोई एक company है जो developed countries के अंदर operate करता है, जहाँ पे purchasing power of people is higher, तो वो लोग selling prices ज़्यादा ही रखेंगे. Developing और underdeveloped countries के अंदर usually the prices are kept low. Number of competitors. अगर competitors बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारा pricing भी competitive ही हो जाएगा. अगर number of competitors कम है, you will be able to have higher prices. Okay. फिर बीच में एक थियरी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आया. कई लोग उसको बहुत सीरियसली भी फॉलो करते हैं. ये वाला थियरी किस चीज़ के लिए था? कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर तुम्हारा प्राइसेस क्या होना चाहिए. तो ये वाला थियरी कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है. आप लोग हर एक यूनिट बेचोगे, हर यूनिट के लिए तुमको जो प्राइजिंग मिलेगा ना, थोड़ा सा कम मिलता रहेगा. जैसे जैसे तुम्हारा वॉल्यूम वो बढ़ता रहेगा ना, हर यूनिट के लिए तुमको प्राइस कम मिलता रहेगा. सो दिस इज काइंड ऑफ योर लाइन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू मतलब द रेवेन्यू दैट यू गेट ऑन एवरी एक्स्ट्रा यूनिट. धीरे 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 वो कम होता रहता है, लेकिन तुम्हारा जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, वो हमेशा बढ़ता रहता है. हर यूनिट के लिए तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे यूजुअली ज़्यादा ही लगेगा. बस Both of them meet at one particular point. We try to say, dhanda tabhi tak karne ka till the time this is more than this or equal to this. Once marginal cost will exceed the marginal revenue, tumhara kharcha zyada ho raha hai, revenue kam ho raha hai, to fir business band kar dene ka, matlab aur production nahi karne ka. To ye wala jo point hai, main x axis pe number of units plot kiya. ठीक है, और यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट प्लॉट किया. ये वाला जो पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट्स. तो हम लोग प्रोडक्शन तभी तक करेंगे जब तक मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल रेवेन्यू का इक्वेशन कैसे मिलता था? ए माइनस टू बी क्यू. ए का मतलब क्या होता था? ए मतलब प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो. एग्जाम्पल, अगर एप्पल ने अपने आईफोन्स का प्राइस 10 लाख रुपए रखा, एक भी फोन नहीं बिकेगा, दैट इज नथिंग बट ए. ठीक है, टू चलो ठीक है, बी. बी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. सपोज एप्पल ऐसा सोचता है, जब भी प्राइसेस 50,000 से कम होएगा ना, तो 10,000 यूनिट एक्स्ट्रा बिकेगा. सो 50,000 अपॉन 10,000, बी मतलब स्लोप. स्लोप 5 रुपीज का आएगा. कि जब भी हम लोगों ने अपना प्राइसेस 50,000 से कम किया, डिमांड 10,000 से बढ़ गया, सो स्लोप विल बी 5. आगे, द बेसिक प्राइस इक्वेशन विच इज यूज टू डिटरमिन द प्राइस वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम इज. अच्छा, इससे पहले एक मिनट, लास्ट चीज क्यू भी बोल देता हूं. क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड. तो एक सेकेंड, इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे मिलता है? ए माइनस टू बी क्यू. ठीक है, तो क्या करना, आपको क्वेश्चन के अंदर ना वेरिएबल कॉस्ट दिया जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, वो लिख लेना और वेरिएबल कॉस्ट को इक्वेट कर देना ए माइनस टू बी क्यू के साथ. ए आपको दिया जाएगा, बी आपको दिया जाएगा, क्यू विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा कि इतने यूनिट्स पर, इतने यूनिट्स पर तुम्हारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा. और इस पॉइंट पे प्राइस कैसे निकालने का, वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा. P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू. पी मतलब प्राइस, ए माइनस बी क्यू. ए आपको मालूम है, बी आपको मालूम है, क्यू आपको पिछली इक्वेशन से मिल गया. तो इस इक्वेशन से आपको इन ऑल क्या पता चलता है इस थियरी से? सर, कितने यूनिट्स पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो क्यू का वैल्यू आ जाएगा इधर. अपार्ट फ्रॉम दैट, उस लेवल पर प्राइस क्या रखने का, वो आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा. ठीक है, चलो आगे. 11th, परसीव्ड वैल्यू. परसीव्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? दिस इज द प्राइस दैट अ कस्टमर अटैचेस टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. आई विल टेल यू अ सिंपल एग्जांपल. अभी
मेरे पास सपोज सैमसंग का कोई फ़ोन है, से S10 आया, ओके, से कभी ना कभी S1 S11 आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओके. अभी इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो फ़ोन है इसका मेरे लिए वैल्यू कितना है, तो दिस इज़ द वैल्यू इन कस्टमर्स माइंड. ओके, याद रखना, अगर तुम लोग मैन्युफैक्चरर है ना, अगर तुम लोग ये वाला वैल्यू कभी निकाल सकता है ना, ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि हर एक कस्टमर वो अलग अलग ही सोचता है, लेकिन अगर कभी कर सकता है ना ये वाला चीज़, तो प्राइस हमेशा उससे कम ही रखा करो. क्योंकि अगर सपोज मेरे लिए कोई एक फ़ोन का वैल्यू 70,000 रुपीज़ है, मेरे को लगता है इस फ़ोन के लिए 70,000 रुपये भी दे सकता है, और अगर मेरे को 60,000 का मिल गया ना, इट इज़ अ गुड बाय फॉर मी, इट इज़ अ वेरी गुड बाय फॉर मी. तो ट्राई टू कीप द प्राइसेस स्लाइटली बिलो परसीव्ड वैल्यू, दैट इज़ अ ट्रिक इन द बिजनेस. ओके, फिर किसी ने फंडा निकाला ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू. ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? दिस इज द वैल्यू इन रिलेशन टू द कॉम्पिटिटर. उसका मतलब क्या है? अगर कस्टमर मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदता तो किसका खरीदता, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है पहले वो ले लो, और उसके और मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स के अंदर जो फ़र्क है ना उसका एडजस्टमेंट कर लो. सो प्लस माइनस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल. एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर का जो प्रोडक्ट है 1,000 रुपये का है, मेरे को लगता है मेरा उससे प्रोडक्ट ना, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, मेरे प्रोडक्ट के ना ये वाला फीचर नहीं है, तो मैं उसके लिए 100 रुपया कम कर देगा. ओके, सो मेरे प्रोडक्ट का ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कितने रुपीज़ का हो गया? 900,000 माइनस 100. अगर मेरे प्रोडक्ट के अंदर एक फीचर है जो उसके प्रोडक्ट के अंदर है ही नहीं, और मेरे को लगता है उस फीचर का वैल्यू 200 रुपया है, तो फिर आपका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू से 200 रुपया ज़्यादा होगा. ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ एक ग्राफ बनाता हूँ. वी ट्राई टू से ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू हमेशा सबसे ज़्यादा होगा. ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देता हूँ TEV. ये जो रेड लाइन है ये TEV का है. सपोज ये तेरा कॉस्ट है, ये तेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट है. याद रखना, यूजुअली परसीव्ड वैल्यू विल बी लोअर देन TEV. ओके, यूजुअली, नॉट कंपल्सरी बट यूजुअली. एज आई टोल्ड यू, ट्रिक क्या है कि आप अपना प्राइस हमेशा परसीव्ड वैल्यू से कम ही रखो. सो देयरफॉर दिस इज सेलिंग प्राइस टू बी सेट. तो एक कस्टमर को हमेशा क्या लगेगा, मैं सोच रहा था प्रोडक्ट का प्राइस इतना होना चाहिए, यार कम मिलता है. तो कस्टमर के लिए दिस फिगर इज द डिस्काउंट दैट ही गेट्स, और दिस इज हिज बेनिफिट, एंड योर बेनिफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट. दिस इज योर बेनिफिट. ओके, आगे ओवरऑल एज आई टोल्ड कि भाई प्रॉफिट, सॉरी, कि प्राइस तो वो अच्छा जिधर तुम्हारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा. वो तो एक रूल है बिजनेस जो हम लोग शायद फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक फॉलो करेंगे. जिधर भी तुम सबसे ज़्यादा कमा सकता है, दैट विल बी योर बेस्ट ऑप्शन. लास्टली एक और चीज़ ज़रा याद रखना, अगर तुम लोग दो प्रोडक्ट्स बनाते हो विच आर स्लाइटली सिमिलर टू ईच अदर. एग्जाम्पल, सपोज तुम लोग टेलीविजन्स बनाते हो, एक 55 इंचेस, एक 75 इंचेस. प्राइसेस ऐसे सेट करना ताकि द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस आल्सो. वरना एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को खा जाएगा. दोनों मेरे प्रोडक्ट हैं, आई डोंट लव दिस प्रोडक्ट एंड हेट दिस, आई लव बोथ माई प्रोडक्ट्स. ओके, तो तुम्हारा दोनों प्रोडक्ट बिकना चाहिए. तो जितना फीचर्स के अंदर फर्क है उतना ही प्राइसेस के अंदर फर्क रखो ताकि तुम्हारा दोनों प्रोडक्ट्स बिके. दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑल हैव डन इन वन ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो जो हम लोगों ने क्लास के अंदर किया था. ओके, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी ऑल हैड डन इन एक्सटर्नल प्राइसिंग. आपके ज्यादातर क्वेश्चन इस चीज के ऊपर थे. ठीक है, लास्टली हम लोगों ने एक और चीज़ वो किया था. सो देयरफॉर टुवर्ड्स द एंड आई विल सी दैट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करना. अगर आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो पहले देख लेना प्रॉफिट कितना कितना आ सकता है, उसको प्रोबेबिलिटी अप्लाई करना, एवरेज आउट करके प्रॉफिट निकाल लेना. वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाले हम लोगों ने 2 या 3 क्वेश्चंस किए थे. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस चैप्टर के ना क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं, लाइक यू नो, वुड यू लाइक टू गो फॉर स्किमिंग अप्रोच, वुड यू लाइक टू गो फॉर पेनिट्रेशन अप्रोच, वुड यू लाइक टू फॉलो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट. इसके ऊपर तुम्हारे केस स्टडीज भी मैंने बहुत सारे तो वो डाले हुए हैं. ओके, सो इंश्योर दैट यू डू दोज पर्टिकुलर थिंग्स प्लीज. ओके, तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर.